बिहार के तमाम पार्टियों के एमएलए एमपी छोटे जनप्रतिनिधि बड़े जनप्रतिनिधि इवन जदयू के भी भाजपा के भी राजद के भी सीपीआई सीपीएम के भी तमाम लोगों ने कांग्रेस के भी तमाम कई मंत्रियों ने भी जो सपोर्ट किया पप्पू जी को उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, बहुत राजनीतिक लोग भी चाहते थे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी साथ आपके खड़े हो। मैं उन सबसे माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरा मकसद आज भी अभी तक राजनीति राजनीति खेलने का नहीं है। ये महामारी का वक्त है, इसलिए मैं उन सबसे माफी चाह रही हूँ क्योंकि सत्ताधारियों को ऐसा कुछ भी मैं महसूस नहीं कराना चाहती जिसकी आड़ में वो लगे हुए हैं। ये महामारी का वक्त है, लोगों को बचाने का वक्त है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक लोगों के साथ नहीं करना है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि जो तहे दिल से पप्पू जी के साथ है। सही मायने में देखिए, लोग पप्पू जी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि अभी चार दिन में चुनाव हो रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है। आज इसलिए खड़े हैं लोग क्योंकि महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है और कईयों की जानें जा रही हैं। सब लोग भयभीत हैं और उस भय में हम और आप एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हैं। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नीतीश बाबू को कुछ ऐसे सवाल करूं, रूड़ी साहब से कुछ ऐसे सवाल करूं, भाजपा से कुछ ऐसे सवाल करूं इस वक्त जो मेरे चरित्र में नहीं है। पप्पू जी को आज जेल भेज दिया गया, क्यों भेज दिया गया, किस लिए भेज दिया गया, ऐसा क्या उल्लंघन किया था, ऐसा कौन सा अपराध था। 32 साल पुराना केस, सुबह 9 बजे से घर से लेकर गए हैं। पहले बोला लॉकडाउन का उल्लंघन है, भाई दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन, अगर आपने मास्क नहीं पहना है 500 रुपए का पर्ची काट के आपको वार्न करके भेज देते हैं, ये होता है लॉकडाउन का उल्लंघन। अगर आप ब्रैकेटिंग के पास है जाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आप किस लिए जा रहे हैं नहीं है तो आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये का चलान है, लॉकडाउन का उल्लंघन वही होता है। उनको लगा कि अब लॉकडाउन का उल्लंघन से तो बात नहीं बनेगी। तो ये कौन लोग थे, किनके इशारे पे हुआ? नीतीश बाबू, अगर आप इतने कमजोर और असहाय महसूस कर रहे थे तो भैया हम लोग को भी फोन करके बता देते कि भाई मैं मजबूर हूँ, बहुत कम विधायक आए हैं और भाजपा का सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं। सत्ता में अगर आप हैं तो वो चोर नहीं है, अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप चोर हैं। मुझे तो परेशानी के साथ हंसी भी आ रही थी कि ना चोर को पकड़ूंगा ना चोरी को पकड़ने दूंगा, ना मैं खुद काम करूंगा ना किसी को काम करने दूंगा। देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये किसी पर छींटा कसी का वक्त नहीं है और मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर हो क्या गया है, इतने अपंग क्यों हो चुके हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके दबाव में
आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है। क्या बालिका गृह कांड है, क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं, क्या आपके केस है? नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया, और हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि राजनीति में केसेस होते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है। 89 पे पप्पू जी पे केस हुआ, अभी वो तीनों लोग जो इस कांड का सूचक था, जो जिसने बोला कि मेरा किडनैप हुआ और जो गवाह था, उन तीनों का वीडियो चल रहा है कि ये केस फर्जी है। 32 साल पुराना केस आपको इस महामारी के वक्त याद आया क्यों? इसी में सारी बातें छुपी है। रूड़ी साहब, क्या बोलो, मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा। और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है, आप राजनीति में कैसे आए, क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूड़ी जी नहीं बताऊंगी, आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाईया, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर, कहां कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूड़ी साहब आप ही बता दीजिए सैलरी कहां से उठाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको इंचार्ज बनाया गया, वहां पे कितना घोटाला हुआ वो आप ही बताएंगे। वहां कितने स्टाफ हैं और कितने काम कर रहे हैं और कितने आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आप ही बताएंगे। आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया वो भी आप ही बताएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी वो भी आप ही बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है, जिनके घर पत्थर शीशे के हो, और वैसे लोगों को पत्थर मत मारिए जो सड़क पे पहले से खड़ा है। इतना आसान नहीं होता है, ये कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा है कि हम पिक्चर खिंचाने के लिए लाशों के ढेर पे जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमने का काम कर रहा है। ये मजाक नहीं है। रूड़ी साहब, मुख्यमंत्री साहब और ये भाजपाइयों, कमरे में बैठ के लॉबी लॉबी खेलने में बहुत मजा आता है, मॉडलिंग करते हुए सेटिंग करने में बहुत मजा आता है, और रूड़ी साहब की राजनीति हैसियत राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सेटिंग और लॉबी लॉबी करने वाली है। आज उसी के बल पे जिस तरह आपने पप्पू जी को जेल भेजने का काम किया है, भाई वो तो सड़क पे खड़े थे अपनी मौत का कफन बांध के, परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोग को छोड़ के पहले ही अपनी जान देने के लिए खड़े थे, आपने उनको जेल भेज दिया, डरा दिया आपने, कितना डराएंगे, आपने तो मुझे भी जगा दिया, मैं एक सेकंड भी बाहर मास्क के बगैर नहीं रहती हूँ, लेकिन आज हूँ, आपने किया। अब जब तक पप्पू जी जेल में है खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा, जो बेड आप लोग बेच रहे हैं प्राइवेट और सरकारी, और जिन माफियाओं से मिलकर ड्रग्स की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये खुंदक सिर्फ पप्पू जी के राजनीतिक कद से नहीं है, ये खुंदक आपकी और ड्रग्स कंपनियों की
अरे बोल लो भाई, तुम्हें लोग पीछे जो एक साथ मिली भगत से जो आप पैसा कमाने में आज बिहार में रोक लग रही थी, हर अस्पताल में लगातार लोग रोक लगा रहे थे, हर अस्पताल में एक तरफ 95,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था तो कोई व्यक्ति आपको फ्री में पहुंचा रहा था, आपकी दुकान बंद हो रही थी। आपने छेड़ा है, अब तो हम लोग भी चप्पा चप्पा छानेंगे कितनी मिली भगत है। ये तो सबके सामने है, सरेआम है कि जहां पर शमशान घाट में 200 लाशें जल रही है वहां आप 10 दिखाते हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह पे, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जहां जाइए वहीं ये हाल है। देखिए, सत्ताधारियों को उतना ही डराना चाहिए जितने में लोग डरे, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना भूल जाए। और जो सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आप जब डराने की कोशिश करते हैं, मौत का कफन बांध के खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब आप डराने की कोशिश करते हैं तो डर खुद डर जाता है। ये सत्ताधारियों को समझना चाहिए। और इस महामारी में भी सबसे बड़ी अगर कोई महामारी है वो है लालची सत्ताधारी, जो इस बड़ी महामारी से भी बड़ी महामारी है। वैसे लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकौड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकौड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं। महामारी से अगर 10 लोग मर रहे हैं पर आपके कारण 500 लोग का आंकड़ा जो हो रहा है वो आप लोग के कारण हो रहा है, वो आपकी दी हुई असुविधा के कारण हो रहा है, वो आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। पप्पू जी का क्या दोष था? आपके तमाम सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण, जिसमें आप रूम में बैठ के मास्क लगाकर जूम से बता रहे हैं कि 25,000 रेमडेसिविर है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं। क्या आपने ये बताया कि कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? अरे मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में 6 वेंटिलेटर है, पर मैं राजनीति नहीं कर रही थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, जो कह रहे थे कि मधेपुरा और सुपौल की खबर लीजिए, आपको डाटा दूं क्या? वहां पे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहां कहां क्वारंटीन सेंटर है और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं? अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है। तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे? आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डर, लोग भयावह नहीं हो, क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे, इस दर्द के कारण आपसे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति आपने पैदा की है, तो नीतीश बाबू आपको भी जवाब देना पड़ेगा, रूड़ी जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्रालय है जो फेलियर के नाम से, कौन से लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आपने कभी अपना OSD बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया और आज वो सबकी मिली भगत से उनकी दुकान नहीं बंद हो जिसके लिए आप मुंह बंद कराना चाहते हैं? अरे कितनों का मुंह बंद कराएंगे? और शर्म आनी चाहिए, और थोड़ा डरिए। आप पप्पू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मरने देंगे? आपकी ये मंशा है कि लोग मरे और हम तमाशा देखें?
गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए कि भाई स्थिति बहुत पैनिक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आई एम वेरी सेफ कहने में बहुत मजा आता है। मोदी साहब आप भी आइए, जो सेंडल में चुप्पी से आपके बैठे हैं, ये आपके ही क्रिया कलापों का प्रेरणा है जो आज आपके लोग कर रहे हैं। पहले जब सेकेंड लहर आई, दूसरी लहर आई, तो आप सत्ता के जुनून में, जीतने के जुनून में इतने पागल थे कि हमारे देश में ये जो महामारी की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा WHO और पूरे वर्ल्ड के कंट्री का ये कहना है कि 90% हमारे देश की जो आपदा है वो मैन मेड है। आपके प्रधानमंत्री, आपके सत्ताधारियों ने इसको जबरदस्ती फैलाने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है, और आपको शर्म नहीं आ रही कि उस बीच में अगर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप जेल जेल खेल रहे हैं, आप राजनीति राजनीति खेल रहे हैं, आप लॉबी लॉबी खेल रहे हैं। देखिए, मुझे लॉबी लॉबी खेलने का कोई शौक नहीं है, ना इस वक्त राजनीति राजनीति खेलने का शौक है, और ना ही जो खेलेगा उसको खेलते देते रहने का, देखने का शौक है। देखिए, जो चौराहे पे है वो तो रहेगा, जो डर रहा है वो इस बात को समझे कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं, और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने की उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने की उनको कहाँ भेजना है। अरे, आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट हैं, और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है, और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है, उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे, जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी कि ये खेला बंद कर दीजिए, ये राजनीति राजनीति बंद कर दीजिए, उनको रिहा कीजिए, और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी, ना आपको जनता माफ करेगी, और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं, और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में 4-4 लोगों के साथ बैठा बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूड़ी साहब, आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था, और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए, ये गंदी राजनीति महामारी के वक्त बंद कर दीजिए। आज मैं फिर कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री साहब फोन कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई मदद करने में राजनीति कर रहा है, मुझे फोन कीजिए, पप्पू जी को फोन कीजिए, और बताइए कि पप्पू जी मदद कीजिए, महामारी है, हम सब मिलके काम करेंगे, लेकिन ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए जहां आपको लग रहा है राजनीति हो रही है, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फिर आपको आगाह कर रही हूं, इस महामारी में राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को
आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे, तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है, और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है, इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे। इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया कि बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है, और ये बहुत गुंडई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, तो हम लोग की क्या औकात है? लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है, और पेस थ्री होता है जो सड़क पे होता है, उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही क्या कह, मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है, उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए। क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है, ये आपको हम लोगों से ज्यादा मालूम है। इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हाईकोर्ट में याचिका भी खारिज कर दिया गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। देखिए, वो खारिज नहीं है, उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस से आइए। ये देखिए, आपको सबसे पहले मैं कहूंगी कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। इन्होंने सोची समझी साजिश थे इनको जेल भेजा, क्योंकि 17 तक कोर्ट बंद है और कोई भी मैटर इस तरह से सुना नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने मेंशन किया है, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन 7 साल से नीचे वाला भी कोई मुजरिम भी है, उस पे भी अगर जेल जाने की नौबत आती है, तो आप इस पैंडेमिक पे उसको जेल नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई जेल में है भी, तो उसको 90 दिनों की आपको पैरोल देनी है। सही मायने में कानूनी तरीके से जब इनको मधेपुरा भेजा गया, तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए थी। लेकिन ये रणनीति है, और मैं नहीं चाहते हुए मैं कहूंगी कि दबाव में है, वहां पे कुछ हो रहा था, लेकिन रात के 8 बजे नहीं हुआ। ये लोग खरीद रहे हैं, और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे, जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हम लोगों ने मेंशन किया है डॉक्टर मेडिकल को लेके ही, कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इनको जमानत मिलनी चाहिए। आपने 4 लोगों को सड़क पे खड़ा करने की बात कही थी, नाम मेंशन नहीं किया आपने। देखिए, जब खड़े होंगे तो आप खुद देख लेंगे कौन कौन मंत्रालय इस पैंडेमिक में फेलियर है, और किन 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 की नींद हराम हो रही है, और किसका किसका माफियाओं से और इस ड्रग्स माफियाओं से बिजनेस चल रहा है, वो पूरा बिहार जान रहा है। बिहार में है, कब तक बिहार में रहिएगा? उसको भी बंद करा दिया गया है, बहुत जगह लोग जो है खा नहीं पा रहे हैं, जो खाना मिलता था उसको। देखिए, ये मैं कहूंगी कि महामारी में बहुत ही घटिया केस की राजनीति हो रही है। हम लोगों का खाना अभी भी बन रहा है, लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिर पास के लिए लगे हैं। मैडम, आप कब तक बिहार में हैं? नहीं देंगे हम लोग। मैडम, आप बिहार में, मैडम पप्पू यादव उजागर कर रहे थे काफी खुलासों को, आप उनको कंटिन्यू रखेंगी जो वो कर रहे थे? देखिए, और कहीं प्रशासन भी आप पर ये कार्रवाई कर सकती है? मैं बिहार हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन आपके अस्पतालों का निरीक्षण लगातार चलेगा, और आपके अस्पतालों की पोल अगर आपने सही नहीं की, तो वो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी,
जो हम लोग से मांगेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे। जहां से रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग होगा वहां भी उनका पोल खुलेगा और जिनको जरूरत पड़ेगी दवाइयों की वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी। इस पैंडेमिक में आप किसी को मदद करने से नहीं रोक सकते। ये वैसे सत्ताधारी है, आज पप्पू जी को यहाँ जेल में बंद किया है, वहाँ हमारे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को तो श्रीनिवासन के घर में जांच हो रही है कि खाना कहाँ से खिला रहे हैं भैया, आप कहाँ से दवाई दे रहे हैं। तो ये गुंडाई राज चल रहा है, मैं फिर कहूंगी पूरे देश में, जिसके खिलाफ हम और आप सबको खड़े होना। अपने आंसर की बात करिए, कब से जा रही है? मैंने आपको बोला, मुख्यमंत्री साहब को फिर आगाह किया, जल्द से जल्द पप्पू जी की रिहाई हो, क्योंकि आपने फर्जी केस में जबरदस्ती इस पैंडेमिक में जो पोल आपके स्वास्थ्य का खुल रहा था सुविधाओं का, उसके लिए आपने भेजा है। अगर आप इस तरह से छिछोरी राजनीति करेंगे तो हम लोग को भी मजबूरन आपके सामने आना पड़ेगा, और जब तक आपके मंत्रीगण भी जेल नहीं जाएंगे तब तक हम जेडी के मधेपुरा विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि ये गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी, बीजेपी जो है कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत ये खेला करवाई है। मैडम पीएम केयर फंड जो है पारदर्शिता उसमें नहीं आई, कहा जा रहा है कि जो वेंटिलेटर खरीदे गए उसमें बहुत सारे तकनीकी खराबी चल रही है। आपको पीएम केयर फंड की बात चल रही है, 100 रुपए किलो डीजल, 100 रुपए डीजल और पेट्रोल हो चुका है, और उससे उनको 21 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, और पीएम फंड में भी कितने रुपए आए हैं वो उन्होंने बताया नहीं है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। क्या मुझे तो मैं दावा करती हूँ कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग वालों को मिल रहा है। अभी दिल्ली में खान मार्केट में पकड़ाया था 800 जो ऑक्सीजन आपके कंसंट्रेटर है, और उनका जो नवनीत कालरा वो बीजेपी और आम पार्टी से मिला हुआ है, ये तो मिली भगत ही, और उन्ही को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप विदेश से मंगाइए 20,000 में और यहाँ पे 70,000 में दीजिए, और फिर हमारे पार्टी फंड में भी दीजिए। तो चुनाव में आखिर सत्ता पाने के लिए किस तरह से वो एमएलए खींचे। महामारी को छोड़ के सेंट्रल विस्टा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैडम सिंपल सवाल ये है, 2005 में जब चंद्रशेखर खड़े हुए थे मधेपुरा से, उन्होंने पैम्पलेट पर आपका और पप्पू जी का फोटो लगाया था, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव गुंडा है और बीजेपी के एजेंट है। आप सवाल का भी जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। नहीं तो आप बताइए ना कि आपका फोटो भी इस्तेमाल किया। मुझे कोई कमर नहीं, वो इस लायक नहीं है। मैडम जिस तरह से पप्पू जी लगातार आरजेडी सरकार के लिए